पानी के साथ। YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। तो आज हम किसान आंदोलन को लेकर वार्ता करेंगे। मेरे पास हैं भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी। तो सहोता जी, बताइए जो किसान आंदोलन चल रहा है, कल करनाल में जो हुआ है, उस घटना हुई है, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो कल करनाल में हरियाणा सरकार ने करा, पहले तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं खट्टर सरकार की, क्योंकि किसानों को कल जो था, जो लाठी चार्ज हुआ था, उससे पहले एसडीएम ने निर्देश करे थे, साफ वीडियो जारी, आपने देखा है, सभी शहरी हिंदुस्तान ने देखा है, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि सिर फोड़ दो। लाठी चार्ज करवाया गया सरकार के दबाव में, और उस एक किसान उसमें शहीद हो गया और 200 किसान घायल हुए थे। जो कल महापंचायत थी वो इसलिए थी कि जो किसान शहीद हुआ है उसे सरकार मुआवजा दे और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे, और जो घायल हुए हैं उन्हें मुआवजा दे, और जिस अधिकारी ने लाठी चार्ज के निर्देश दिए हैं एसडीएम ने, उसे बर्खास्त किया जाए, और जो दोषी अधिकारी और हैं और उन्हें जो कार्रवाई करी जाए, सरकार कार्रवाई करे। छोटी सी बात थी, इन्होंने कल जैसे किसान आए और उसे पहले रोकने का प्रयास करा, और पूरे प्रदेश की कई जिलों की फोर्स लगा दी वहाँ पर, जैसे कि एक अपने देश के किसान या प्रदेश के ना होते हुए जो कोई विदेशी वहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं, इस तरह से इन्होंने व्यवहार हरियाणा सरकार ने करा है, जो एक निंदनीय है, क्योंकि हमारे प्रदेश के किसान हैं वहाँ हरियाणा के, भाई आप वो जायज मांग है उनकी, उस मांग को आप क्यों नहीं करके और निस्तारण कर देते, कितना उसे टाइम लगता है, ये तो प्रदेश स्तर का काम है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, भाई जो दोषी अधिकारी है उसे दंडित कर दें और परिवार के सदस्य को मुआवजा दे दें, उनका रोजी रोटी का साधन छिन गया, वही कमाने वाला था किसान जो शहीद हुआ है, उसके एक परिवार को नौकरी दे दें, तो भाई क्या सरकार के लिए क्या बड़ी बात है। और इन्होंने कल भी वो तानाशाही रवैया अपनाया, और जब किसानों ने वार्ता यानी कई दौर की वार्ता हुई, ये उस पर आए ही नहीं, उस बात पर जो किसानों की मांग थी उस बात पर आए नहीं, तो किसान वहाँ पर सचिवालय में जाने के लिए बैठने के लिए थे और शांतिमय ढंग से सारा मामला चल रहा था, उसके बावजूद इन्होंने पानी की बुछारें मारनी चालू कर दी, निर्देश दे दिए कि किसानों को भगा दो। तो ये एक तानाशाह रवैया जो ठीक नहीं है। फिर किसान तो किसान है, किसान पीछे हटने वाला नहीं है, किसान ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जैसे हमारी फौज पीछे नहीं हटती जब कोई विदेशी बॉर्डरों पर अपनी रक्षा करती है, देश की सुरक्षा करती है, इसी तरह देश के अंदर हमारा किसान है जो कि अन्न पैदा देता, पूरे देश को खुलाता है। तो जय जवान जय किसान, और जवान को आगे ला रहे हैं जो इतने कमज़ोर हैं ये लोग, हरियाणा सरकार जो है, केंद्र सरकार, जब ये देख रहे हैं कि अब हम झूठ बोल बोल कर आए हैं तो हमारी चल नहीं रही, जनता शहरी हमारे ख़िलाफ़ हो गई, अब उन्हें हमारे ही जवानों को हमारे आगे करते हैं कि आपस में लड़ा दो इन्हें, तो ये गलत नीति है, बहुत ही ज़्यादा गलत नीति है, प्रदेश और देश के लिए भी गलत है। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान में है, या तो भाई संविधान अगर हमारा कहता है, अगर हमारे साथ गलत कुछ हो रहा है, हम उसका विरोध कर सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक मूल अधिकार है, जो संविधान में चीज़ लिखी हुई है, आप उसे भी करने से मना करेंगे तो एक ये तानाशाही वाला रवैया हो जाएगा। फिर इनकी तुलना किससे करी जाए, अंग्रेज़ों से करी जाए या हिटलर से करी जाए, तो ऐसी बात यहाँ शोभा नहीं देती। ये हिंदुस्तान है, यहाँ प्रजातंत्र है, प्रजा की आवाज़ सुननी पड़ेगी, नहीं तो आपको जो प्रजा है यहाँ जैसे बिठाया है, ऐसे उठा कर नीचे ही, जहाँ से आप नीचे से उठ के बैठे हो गद्दी पर, ऐसे गद्दी से उतार कर नीचे आपको बैठा देगी ज़मीन पर, ये आपको समझ लेना चाहिए। किसान एक हिंदुस्तान की रीढ़ है, बहुत बड़ा परिवार है, और 9-10 महीने से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के अंदर चारों तरफ बैठा हुआ है, उसे भी समझ के इन्हें निपटारा कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। देश का भी भला इसी में है और किसान का भी भला है,
और इनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। अच्छा, इन्होंने जो आपने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी को और अन्य नेताओं को, जो बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया, उसके संबंध में क्या कहें गया? इन्होंने प्रयास करा, पर एकदम उन्हें पता था पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है जगह जगह घिराव कर लेगा, जो गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं रही, एकदम फिर रिहा कर दिए गए। प्रयास करा डराने का, धमकाने का, भाई किसी तरह से ये यहाँ से भाग जाएं किसान, अपनी मांग जो है इसे जो मुखर कर रहे हैं अपनी मांग, इन्हें नहीं हमें नहीं देनी पड़े, और उसे इनकी बात को दबा दिया जाए। उनकी बात को दबाने का काम करा है, पूरा जोर लगाया गया है, पर किसान नहीं पीछे हटा और आज सचिवालय पर, वहाँ मिनी सचिवालय में बैठा है। जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक हिलने वाला नहीं है, वह हमारे लीडर साहिबान राकेश टिकैत जी और राज्यवाल जी, चडूनी जी, योगेंद्र यादव जी वहाँ पर किसानों के साथ बैठे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी उत्तराखंड से भी, अगर ये हमें निर्देश आएगा, तो हम उत्तराखंड से भी जाकर उनका सहयोग उन किसानों का करेंगे और उनकी मदद करेंगे। तो अभी देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से किसान आंदोलन के संबंध में बात कर रहा था। तो श्री सहोता जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और करनाल की घटना को लेकर भी उन्होंने कहा कि यदि उत्तराखंड से भी अगर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को वहाँ बुलाया गया, तो वो उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।